погас, 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 погас. भाई साहब, आज तो बंदा मेरे को देख रहा है यहाँ। हाँ भाई, पहचान गया मेरे को, लेकिन नहीं, होश में है ही नहीं। फिर बोलते कि ऐसा है वैसा है, जा पढ़ाई कर। बाय दोस्तों, मेरा स्कूल। ये बाबा न करती बाय तब न थे। तो हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज ब्लॉग शुरू कर दिया है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना, और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात करता हूँ तो आज मौसम मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है। वैसे तो 3-4 दिन से तो दिखा रहा है कि बारिश है, जो वेदर रिपोर्ट दिखा रहा है नेट पर 100% दिखा रहा है, लेकिन ये मौसम हमारे साथ आंख में चोली खेल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं, और कोहरा आप देख सकते हैं। सामने जो कमत की पहाड़ी वो तो नहीं दिखाई दे रही है, और आगे जो यहाँ पे कौनगढ़ की पहाड़ी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। खाली ये पहाड़ी दिख रही है जिसके पीछे की सूर्यदेव आते हैं जिसके पीछे से। और आपको सामने दिखाता हूँ, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं अभी, जो कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये जा रहे हैं कॉलेज के बच्चे लाइन वाइज से, और एक दो ये है इधर, ये भी स्कूल जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जरा मधुली और मधुली का बच्चा क्या कर रहा है। वैसे कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया था कि उसका नाम कुछ रखना है, तो जिस दिन इसका नामकरण होगा तब तक आप कमेंट करते रहें इसका क्या नाम रखना है, तो जो मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं रख दूंगा। तो भाई साहब, आज तो बंदा मेरे को देख रहा है यहाँ। हाँ भाई, पहचान गया मेरे को। तो आप देख सकते हैं मधुली वहाँ से इसके लिए चिल्ला रही है कि उसके पास मत जा, लेकिन भाई साहब तो हमारे पास आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे नाराज है, आ जा, ले। तो आप देख सकते हैं बच्चे किसी की भी हो, जानवर के हो या इंसान को, कितने खूबसूरत लगते हैं। आजकल इसकी मस्ती देख के मजा आता है। चलो ले। तो भाई साहब यहाँ देखो आप, मधुली भाई आजकल मेरे को खाने पड़ रही है, देखो यहाँ। अरे कैसे फू कर रही है। तो भाई साहब, और ऊपर की बात करूं तो आज बंदर भी आ रहे हैं, तो अखरोट का काम तमाम कर रहे हैं आज, क्योंकि हम उधर जा रहे हैं तो बंदर आ रहे हो, दे दना दना अखरोट खा रहे हैं। तो भाई साहब मुझे बार बार देख रहे हो, जैसे मैं इनके पास जा रहा हूँ वैसे ये भाग रहे हैं। और भाई अब आपका नाम रखने वाला हूँ मैं कुछ। हाँ भाई, अब नाम रखने वाला हूँ मैं, नाम रखने वाला हूँ। ओ मधुली, देख ले तू ढंग से रहे। ओ भाई साहब, आज मुझे पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बंदर बड़े तगड़े आ रहे हैं आज, और फिर मधुली के बच्चे के लिए भी खतरा है, मधुली के बच्चे पे अटैक न कर दें, क्योंकि भाई जो पहाड़ों के बंदर है बड़े खतरनाक हो गए भाई। वो कुत्तों को पीटने लग गया परसों, एक कुत्ता चला रहा था वहाँ जंगलों में, तब जाके किसी ने बचाया उसको। तो कुल मिला के बात है कि जो बंदर है अब एडवांस हो गया, तो इनको यहाँ पे रखते हैं, थोड़ी देर में इनको अंदर बांध देंगे, और मैं भी थोड़ा मुँह धुल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे बैठ जाता हूँ पीछे। नाराज है तू? नाराज है? कोई नहीं। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये इनके कान पर लगा हुआ, ये है जियो टैग, क्योंकि पिछली बार सर्वे वाले आए थे तो इनको भी जियो टैग किया गया। इसके बहुत सारे रीज़न है, जैसे कुछ दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गए, या कुछ भी हो गया, तो उसका क्लेम आपको मिल सकता है। और ऊपर से लोग क्या कर रहे थे कि पशुओं को पाल रहे थे और छोड़ रहे थे, तो इससे आप पता चल जाएगा, इस पर आधार कार्ड लिंक हो रखा है तो किसका है, तो इसीलिए कोई अब पशुओं को छोड़ भी नहीं सकता है। और ये निकलता भी नहीं आसानी से, या तो काटना पड़ेगा या तो एक सीधे कान ही काटना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं निकलता ये। तो चलिए जरा अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। और इधर की बात करूं तो मेरी मम्मी ने 2 डस्टबिन की बाल्टी है जो फुल भर दी है। और भाई साहब अगर हम इधर की बात करें तो भाई साहब को आ रही है नींद। शेरू इधर दे, जरा इधर दे, जरा दे, जरा पंजा दे दे दे। अरे वाह, शाबाश शाबाश, चलो सो जाओ। तो मम्मी बोल रही है गैस पे दूध लगा रहा है, तो उसको देखने जाता हूँ थोड़ा। तो मम्मी ने भी आज प्रेशर पे लगा दिया दूध, गैस तो खोल रखा है, इसको तो बहुत टाइम लगा अभी।
तो अगर दूध की बात करें तो दूध को बोलते हैं कि चोर की तरह उबलता है, आवाज नहीं करता है, जैसे वो उबलता है तो सीधे एकदम चूल्हे पे गिर जाता है। और ये जा रहे है स्कूल, और कल ये फीस नहीं ले गई थी, इसको बोला था हमने फीस ले जा, लेकिन नहीं, होश में है ही नहीं, फिर बोलती कि ऐसा है वैसा है, जा पढ़ाई कर। ये बाबा न करती बात तब न थे, मतलब हर किसी को ऐसी आदत पड़े। हेलो हेलो गाइस, हेलो भाईस, हेलो गाइस, क्या ड्रामा है, चल जा। तो आप देख सकते हैं ये फुर्की मान चले गई कॉलेज, और ये देखिए सामने देखिए आप गुगुती कितनी प्यारी लग रही है, जूम करके दिखाता हूँ आप, ये देखिए ये जो पक्षी हैं ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जो गुगुती पक्षी ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। और इनको पहले किसी ज़माने में पहाड़ों में एक शुभ संकेतक माना जाता था कि गुगुती जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती थी तो जब उसको अपने मायके की याद आती थी तो वो गुगुती को बोलती थी कि गुगुती जा और मेरे मम्मी पापा से ऐसे बोल कि मैं खुश हूँ। तो अब तो फ़ोन का ज़माना हो गया, लेकिन पहले गुगुती पे आपने सुनेंगे बहुत सारे गाने थे, गुगुती ही एक रैबार का संदेश वाहक होता था पहले। तो ये भी लुप्त हो गई ये चीज़ें धीरे धीरे। और मम्मी की बात करूँ तो मम्मी अब मधुली और मधुली के बच्चे को अंदर बांधने लग गई है, क्योंकि बंदर भी आ रहे हैं और मौसम भी ख़राब है। देखिए जैसी ही मधुली के बच्चे को खोलने लग गए वैसी बिल्कुल मधुली का ध्यान हट गया कि गैग कहाँ हो गया, उसने अपना जो वो जो खारी थी पराग उसको भी छोड़ दिया। चल 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 ले जा इसको, ले जा इस बुड्ढे को। ये देखिए आप जा नहीं रहा, वो अंदर बड़ा नटखट है, ये देखिए। और अब जाके अब मधुली को भी टेंशन होने लग गई है, देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ। चलिए इसको भी अंदर भेज दिया। और बात करें सपना की तो ये जाएगी जंगलों में घास खाने, क्योंकि इसके दोस्त लोग हैं वो भी जाते हैं, इसको भी उनके साथ भेज देते हैं और ये शाम को अपने आप घर आ जाती है, सही है। तो चलिए मैं भी थोड़ा तैयार होता हूँ, उसके बाद पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ कि कहीं बंदर आएंगे, क्या होता है आजकल तो बंदरों से खतरा है भाई, हो सकता है अटैक भी हो सकता है मेरे पे बंदरों का। तो आज मुझे लट्ठी लेके खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं एक मिनट लेट होता तो दूध चूल्हे के ऊपर बह चुका होता, इसलिए बोलते हैं कि दूध होता है वो आवाज़ नहीं करता है, वो चोर की तरह एकदम उबल जाता है। तो चलिए अब तैयार होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अब तो आज मेरी ड्यूटी पेड़ के ही नीचे है, क्योंकि मम्मी चले गई घास के लिए, और जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ वैसे बंदर चुपके से आ रहे हैं और खा कम रहे हो बर्बाद ज़्यादा कर लिए, इसलिए अब मैं इसी के नीचे बैठा रहूँगा जब तक मम्मी नहीं आई। मैं एयरफोन लगा के थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ, बंदरों को पता ही नहीं चल रहा किस टाइम इसके पेड़ के ऊपर आए और अखरोट तोड़ दिया। मैं भी देख रहा हूँ नीचे जा अखरोट गिर रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये भी अखरोट है जो नीचे गिरा अभी, और ये भी यहाँ पे गिरा, बाकी तो आप देख सकते हैं बर्बाद कर रखे उन्होंने। और पोता भी चिल्ला रहा है, और एक दो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जो भी झड़ रहे हैं मैं यहाँ पे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो एक हिसाब से अच्छा भी है, ठीक है, मुझे झाड़ने जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदर बेचारे चढ़ रहे हैं और उनके वजन से पेड़ हिल रहा, एकदम दो तीन अखरोट भी गिर रहे हैं, अगर वो एक खा भी रहे होंगे तो दो चार झाड़ भी रहे हैं, तो मेरी भी हेल्प हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो देख रहा हूँ, वो भी झाड़ ही रहे अपना। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठ रखा हूँ आज, ये देखिए यहाँ आज मैं 3 घंटे से बैठ रखा हूँ, यहाँ ऐसी बंदर आ रहे हैं उनके लिए पहरेदारी कर रहा हूँ मैं। तो चलिए भाई अनीता आ गई है, और आज का जो मेरा काम था वो थोड़ा कम हो गया, अभी आ गए तो हेल्प हो जाएगी, और मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, फिर वीडियो को अपलोड भी लगाना है, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें होती है। मम्मी घास के लिए जा रही थी तब से अभी आई नहीं, मेरे को बोला कि आधे घंटे रुक जा मैं आ जाऊँगी, 3 घंटे से मम्मी नहीं आई, लेकिन फाइनली एक स्कूल से आ गई। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहाड़ी भाई पीलो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ भी हो स्वस्थ रहें मस्त रहें और परिवार के साथ व्यस्त होकर मेरा ही वीडियो देखें। बाय बाय।